प्रकाश आदिवासी YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रकाश चंद्र बिल और आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। 5 अक्टूबर को महापुरुष कुंजाबिल जयंती है, कुंभलगढ़ में क्या प्रोग्राम है? जी, सबसे पहले तो मैं आपका आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने समय निकाला और इस प्रोग्राम के लिए आप कुंभलगढ़ बजा रहे। साथ ही 5 अक्टूबर हमारे वीर शिरोमणि राणा कुंजा जयंती है, उस दिन कुंभलगढ़ में हम धूमधाम से जयंती मनाएंगे। और उसके बाद में हमने 31 अगस्त को एक घोषणा की थी जो जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से कि हम कुंभलगढ़ में रोडवेज बसें कई साल वर्षों से बंद हैं, जो चालू नहीं है। फिर कुछ वर्षों पहले 15-16 बसें चलती थी, लेकिन आज की कंडीशन है कि एक भी बस कुंभलगढ़ में नहीं चल रही है, जबकि ये पर्यटन स्थल है। इसलिए हमने 21 अगस्त को घोषणा की थी जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से कि अगर एक महीने में बसें चालू होती है, रोडवेज बसें चालू होती है तो ठीक है, वरना हम 5 अक्टूबर को कुंभलगढ़ के अंदर आमरण अनशन पर बैठेंगे और एक बहुत विशाल बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे और हम हमारी मांगे प्रशासन के सामने रखेंगे। हमने 21 अगस्त को भी हमने प्रशासन को एक महीने पहले अवगत करवा दिया, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई भी इसकी सूचना या जवाब नहीं आया। आमरण अनशन में कितने लोग बैठेंगे और कितने लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे? बिल्कुल जी, आमरण अनशन में कुंभलगढ़ क्षेत्र के बहुत सारे लोग बैठेंगे। डॉक्टर राम मीणा जो यहाँ के विधानसभा प्रत्याशी भी रहे हैं, विधायक प्रत्याशी भी रहे हैं, वो बैठेंगे। साथ ही यहाँ के क्षेत्र के जो बहुत सारे लोग हैं वो इस अच्छे काम के लिए सारे लोग बैठेंगे तथा उस दिन यहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होंगे और विशाल धरना प्रदर्शन होगा। उस कुंभलगढ़ मांगे रोडवेज, क्या कुंभलगढ़ में एक नया इतिहास लिखेंगे? जी बिल्कुल, ये कुंभलगढ़ वासियों के लिए एक बहुत ही बड़ी सौगात है, बहुत ही बड़ा कदम है कि यहाँ कई वर्षों से रोडवेज बसें चालू नहीं है, जिससे आम जन को बहुत फायदा होगा, महिलाओं को, छात्र छात्राओं को, विकलांग व्यक्तियों को और वरिष्ठ लोगों को जिनको रोडवेज बस में आधा किराया लगता है। और इन सुविधाओं से सदियों से हमारा कुंभलगढ़ एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, सदियों से इन सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है, लेकिन ये क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही एक गर्व की बात है कि यहाँ के लोग जागृत हुए हैं और इस आवाज़ को उठा रहे हैं और इस आवाज़ को जयपुर तक पहुँचा रहे हैं और हम सरकार से भी चाहते हैं कि वो यहाँ जल्द से जल्द रोडवेज बसें शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप थे किशन लाल जी, कुंभलगढ़ मेघवाल युवा संगठन जिलाध्यक्ष। धन्यवाद।